अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल सॉल्व MA2 DBP किट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मैंने पहले भी बताया हुआ है, कॉस्ट यूनिट कोई पैसा नहीं होते। कॉस्ट यूनिट होती है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। तो पहला ऑप्शन है बेसिस फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, नो। अ प्रोडक्शन ऑफ और सर्विस डिपार्टमेंट, नो। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यस। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कॉस्ट यूनिट इज अ प्रोडक्ट, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन, नो। An amount of expenditure attributable to an activity, no। Production or service, location, function, activity or item of equipment for which cost are accumulated, yes। जहाँ पे तमाम cost accumulate हो रही हो वो जगह हमारा कहलाती है cost center। Question number 2.3, what is prime cost? Prime cost is the sum of all direct cost। B is the right answer, the total of all direct cost। Which of the following cost are part of the prime cost for a manufacturing company? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो हमें नीचे कॉस्ट देनी है, कौन सी जो कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगी? अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट गो इन टू द प्रोडक्ट, यस। ये है मेरा डायरेक्ट मटेरियल। वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर इंगेज इन मशीन मेंटेनेंस, ये इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। डेप्रिसिएशन जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर, ये भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो जो आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी वो बनेगी द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट गो इन टू द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2.5, Which of the following are indirect cost? इसमें से जो हमें नीचे देनी है उसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, द ओवर टाइम प्रीमियम इनकर्ड एट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर। ये मेरा जो है ये डायरेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। प्रीमियम जो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जाए वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। द हायर ऑफ अ टूल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, ये है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। वन ओनली इज द राइट आंसर। अ कंपनी हैज टू पे अ रॉयल्टी ऑफ $1 पर यूनिट। ओके, जहां पर भी रॉयल्टी का जिक्र आ जाए फौरन दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अ कंपनी हैज टू पे रॉयल्टी ऑफ $1 पर यूनिट टू द डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज अकाउंट एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं, सेलिंग ओवरहेड नहीं। रॉयल्टी जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो जाए वो एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज होगा या क्लासिफाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स माइट बी अ सुटेबल कॉस्ट यूनिट विद इन द क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी? मैंने कॉस्ट यूनिट बताया भी है, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट यूनिट कौन सा है? टेलीफोन एक्सपेंस थोड़ी उस हो सकता है। चेक रिसीव एंड प्रोसीड, यस, ये उसका प्रोडक्ट है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का, और कस्टमर अकाउंट ये उसका प्रोडक्ट है। तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 सी इज द राइट आंसर। और ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है और क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर सैलरी है ना, ये डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये कॉस्ट यूनिट नहीं है। ठीक है, जो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एंड 3। क्योंकि
क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए चेक रिसीव्ड ये उसका प्रोडक्ट है और कस्टमर अकाउंट ये उसका प्रोडक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास एज इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर मशीन ऑपरेटर इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन. तो ये तो डायरेक्ट लेबर हुआ ना, तो डायरेक्ट मशीन को बना रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. अ स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, एक स्टोर का असिस्टेंट, ये आपका इनडायरेक्ट लेबर. अच्छा जी, प्लम्बरिंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी आपका जो है ये इनडायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता. अ टीम ऑफ इंस्पेक्टर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी आपका इनडायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता. ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, हर वो चीज जो प्रोडक्ट के लिए की जाए वो इनडायरेक्ट होती है. अ स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, ये है मेरा इनडायरेक्ट लेबर. बी इज द राइट आंसर. प्लम्बर तो मेरा डायरेक्ट लेबर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में. ठीक है जी, टीम ऑफ इंस्पेक्टर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो ये भी मेरा डायरेक्ट लेबर है कि वो चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है या नहीं कर रही. 2.9, द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट अगेंस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी. जो ये ग्राफ हमारे सामने है ये पूछ रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मेड अप ऑफ अ स्टैंडिंग चार्जेस एंड आवर वेरिएबल चार्ज, यस दिस इज द राइट आंसर. और जो ये ग्राफ है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है कि एक हद तक हमारा बिल जो है वो फिक्स रहेगा, उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मेड अप ऑफ अ स्टैंडिंग चार्ज एंड अ वेरिएबल चार्ज, ए इज द राइट आंसर. बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉइज व्हेन प्रोडक्शन रीचेस टू अ सर्टेन लेवल, नो. सैलरीज कमीशन पेबल पर यूनिट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन, नो. बल्क डिस्काउंट ऑन परचेजेस, नो. द राइट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी बिल. आप लोगों ने MA1 की बुक में भी पढ़ा होगा और इस एग्जाम्पल भी दी जाती है. 2.10, which of the following graph depicts supervisor salary cost where one supervisor is needed for every 5 employees added to the staff. जहां हर एक नए सुपरवाइजर की जरूरत होती है 5 employees के बाद, यानी कि 5 employees हुए एक सुपरवाइजर, फिर 5 और आ गए एक सुपरवाइजर. अब जाहिर है सुपरवाइजर जब मैं रख रही हूँ 5-5 एम्प्लॉयज भरने के बाद, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है मेरा खर्चा स्टेप अप हो रहा है. तो यस, ग्राफ 1 इज द राइट आंसर. एक सर्टेन लेवल एक्टिविटी के बाद मेरा खर्चा इंक्रीज हो जाए, फिर फिक्स हो जाए, जब तक 5 ना हो फिर इंक्रीज हो जाए. तो ग्राफ 1 इज द राइट ऑप्शन. अ प्रोडक्शन वर्कर्स is paid a salary of 650 per month plus an extra 5 cents for each unit produced during the month. Which of the following best describes this labor cost? A production worker ko salary di jati hai 650 plus usko extra cents bhi diye jate hain har unit produce karne ke. To jo niche hume cost di hui hai kaun si best describe ho rahi hai upar wali statement ko? वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट तो एक्टिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट तो एक्टिविटी के साथ सेम ही रहती है. स्टेप कॉस्ट में जो एक सर्टेन लेवल एक्टिविटी के बाद स्टेप आता है. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दोनों का हिस्सा शामिल होता है, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी. ये उसका फिक्स का हिस्सा है और उसको 5 सेंट्स मिलेंगे जितने वो यूनिट्स बनाता जाएगा, तो ये उसका वेरिएबल का हिस्सा है. तो ये D is the right answer. A hotel has recorded that a laundry cost incurred were 570 when 340 guests stayed for one night. अच्छा जी, होटल ने ये रिकॉर्ड किया कि जो उसका लॉन्ड्री का खर्चा है
वो कितना आया है? वो 570 आया है, जब 340 गेस्ट रुकने आए एक रात के लिए, और उनको ये बात पता है, दे नो दैट अ फिक्स लॉन्ड्री कॉस्ट इज 400 पर नाइट, और उनको ये बात पता है कि जो लॉन्ड्री का फिक्स खर्चा है एक रात का वो कितना है, $400। यानी 570 तब हो गया जब 340 गेस्ट रुकने आए, लेकिन उनको ये बात पता है कि उनको ये बात पता है कि उनका जो 400 का खर्चा है वो फिक्स है, वो तो होता ही होता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वेरिएबल लॉन्ड्री कॉस्ट पर गेस्ट नाइट टू द नियरेस्ट सेंस। वो ये कह रहा है कि जो मजीद जो खर्चा आया है वेरिएबल का, उस एक गेस्ट पे कितना आया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगी फॉर 340 गेस्ट। 570 हुआ है, मैं फिर से 400 इसलिए माइनस कर रही हूँ, वो तो आता ही आता है। ऊपर का खर्चा कितना हुआ है, $170। अब मैं निकाल रही हूँ वेरिएबल सेवेंटी, कितने आए थे गेस्ट, 340। और जो ऊपर जो खर्चा हुआ है ना 170 का, एक गेस्ट के ऊपर हुआ है 0.50। ये इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ लीनियर वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट। ये आपका होता है वर्टिकल एक्सिस, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका एक्टिविटी लेवल है। वो ये कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो लीनियर वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेम प्रोपोर्शन से बढ़ती है, एक्टिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये ग्राफ टू, ग्राफ टू इज द राइट आंसर। ग्राफ टू जो है ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, लीनियर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, 2.14। विच ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिक्स कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट अ टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ये वर्टिकल एक्सिस है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, यस ग्राफ वन। ये वर्टिकल एक्सिस और ये मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो हर एक्टिविटी के साथ सेम रहती है। ग्राफ वन इज द राइट आंसर। 2.15। विच ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट अ सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट इनकर्ड। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ में दोनों पोर्शन होते हैं, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी। ग्राफ थ्री भी है मेरा, ग्राफ वन भी है मेरा और ग्राफ फोर भी है मेरा। ये तमाम जो है मेरे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है फिक्स का है, फिर ये वेरिएबल हो गया। जो डॉटेड लाइंस हैं ये फिक्स हैं और फिर ये वेरिएबल, इतना हिस्सा जो है ये वेरिएबल है फिर फिक्स हो गया। तो ग्राफ नंबर 1, 3 एंड 4 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेमी वेरिएबल और या फिर मिक्स कॉस्ट के ग्राफ को, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2.16। व्हिच ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्टेप फिक्स कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट इनकट। स्टेप फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन एक्टिविटी तक फिक्स रहती है फिर बढ़ती है, स्टेप आता है। तो ग्राफ वन फिक्स है, फिर जो स्टेप आया है फिर फिक्स हो गई, फिर
फिर स्टेप आएगा, फिर फिक्स हो जाएगी। तो ग्राफ वन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये तो आपका सेमी वेरिएबल है, ये भी सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.17। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड आउटपुट ओवर थ्री पीरियड हैव बीन, प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है और आउटपुट दिए हुए हैं। व्हाट आर द एस्टिमेटेड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग द हाइलो मेथड, या इफ द हाइलो मेथड इज अप्लाइड। जब भी हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यूनिट्स, हाईएस्ट यूनिट्स वन वन 4870, लोएस्ट यूनिट्स 12610, हाईएस्ट कॉस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट यूनिट्स, लोवेस्ट यूनिट्स, हाईएस्ट कॉस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट को अलग कर लें। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पर यूनिट का, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट लोवेस्ट यूनिट। बाय फोर मेरी हाईएस्ट कॉस्ट है, लोवेस्ट कॉस्ट है, ये मेरे हाईएस्ट यूनिट्स हैं। अब मैं कैलकुलेटर अपना वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। फाइव फोर फाइव फाइव फोर टू थ्री जीरो टू फोर जीरो सिक्स नाइन फोर एट सेवन जीरो टू टू सिक्स जीरो। डिवाइड करते हैं 24069 10.65 आ गए मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.17 के बाद 2.18। अच्छा, the following table details the total Y, a step fixed cost for different production level of product X. अच्छा जी, जो following table है वो represent कर रहा है या दे रहा है total cost Y की, जो कि step fixed cost है for different level of production। मैं zero unit बनाती हूँ product X के, मेरा खर्चा आता है 100। मैं 10 बनाती हूँ, मेरा खर्चा आता है 100। मैं 20 बनाती हूँ, मेरा खर्चा आता है 100। मैं 30 बनाती हूँ, मेरा खर्चा आता है 150। मैं 40 बनाती हूँ, मेरा खर्चा आता है 150। कोई पूछ रहा है व्हाट कुड हैव बीन द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट। तो जो मेरी जो कॉस्ट बढ़ रही है 100 100 100 से 150 हो रही है, इसका कॉज क्या है, क्यों हो रही है? नंबर वन ए ऑप्शन है इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, या स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ने से, या पे इंक्रीज फॉर डायरेक्ट लेबर्स, या लॉस ऑफ मटेरियल डिस्काउंट, या इंक्रीज फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर डिलीवरी व्हीकल।
अब मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर क्या. इसका राइट आंसर है ए. मैं 10 यूनिट जीरो बनाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जगह है, वहां जो है एक सर्टेन यूनिट्स रखने की जगह है, उसका किराया 100 है. जब तक वो यूनिट्स पूरे नहीं होंगे मेरा किराया 100 100 ही जाता रहेगा. लेकिन जिस दिन वहां पे वो यूनिट्स पूरे हो गए, जितनी वहां रखने की जगह है स्टोरेज पूरी हो गई, अब मेरे मुझे और यूनिट्स रखने हैं, मुझे एक और जगह रेंट पे लेनी होगी, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा ना, मेरे खर्चे में स्टेप अप आएगा. तो ये जो मेन वजह है ना मेरा खर्चा बढ़ने की, ये है इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2.19. व्हिच डिस्क्राइब्स डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट्स द कॉस्ट कर्व. जो ये ग्राफ है ये किस चीज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ एक्टिविटी लेवल लिखा हुआ है. तो ये जो ग्राफ है ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का भी नहीं है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट का भी नहीं है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का भी. ये ग्राफ है मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का. मेरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ एक्टिविटी के बढ़ने से डिक्रीज हो जाता है. 2.19 हो गया. 2.20. अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स इन टोटल फॉर अ पीरियड. मेरी एक कॉस्ट है जो फिक्स है फॉर अ पीरियड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट. तो उसके कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं अपनी एक्टिविटी को 50% से रिड्यूस कर दूं. जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना सबसे पहले तो ये देख लेना है कौन सी कॉस्ट का वो पूछ रहा है. वो पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट तो आप पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स इन टोटल. फिक्स रहती है टोटल पे फिक्स रहती है ठीक है. अब वो पूछ रहा है इसका अफेक्ट क्या आएगा कॉस्ट पर यूनिट पे अगर मैं अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दूं 50% से. अच्छा जी, जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो यूनिट्स ले लेती हूँ मैं 2000, इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ 50% से, यानी कि 1000 हो जाएगा. फिक्स कॉस्ट में तो सेम ही रहता है ना कॉस्ट, एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूंगी मैं. 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 10. इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, ओल्ड फिगर माइनस न्यू फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर. ओल्ड फिगर थी 5, न्यू फिगर आई है 10, एक्टिविटी रिड्यूस करने के बाद ओल्ड फिगर थी 5. कैलकुलेटर पे करो, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 आएगा -1. इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100%. ठीक है जी, परसेंट आ गया. अब हमें मार्क करना है राइट आंसर. कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 50%, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस बाय 50%, या कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 100%. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. ये देखिए कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हुआ है पूरे 100% से, पूरा 10, 5 से बढ़कर 10 हो गया. यानी अगर मैं अपने एक्टिविटी को रिड्यूस कर रही हूँ 50% से, तो जो कॉस्ट पर यूनिट है मेरा इंक्रीज हो रहा है 100% से. तो पहले जो मैंने यूनिट्स अज्यूम कर लिए, अज्यूम आप कोई भी यूनिट्स अज्यूम कर सकते हैं, कॉस्ट तो सेम ही रहती है फिक्स कॉस्ट. तो मैंने डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया क्योंकि उसने मुझसे कॉस्ट पर यूनिट का ही पूछा है. फिर मैंने इस फॉर्मूला में पुट किया ओल्ड फिगर माइनस न्यू फिगर,
डिवाइड बाय ओल्ड फिगर, और जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया, और मुझे पता लग गया कि इंक्रीज हुआ है किससे, 100% से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय अ कंपनी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ रॉ मटेरियल की, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय द कंपनी। कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल यूज करती है तो उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी? जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट होगा, तो एक तो हो जाएगा डायरेक्ट, फिक्स तो होने से रहा रॉ मटेरियल, पीरियड तो आपका नॉन प्रोडक्शन या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होगा, तो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन है वो डायरेक्ट भी होनी चाहिए और वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो 1 and 4 इज द राइट आंसर, बी। A particular cost is classified as being semi-variable cost. Semi-variable cost है. If activity increases by 10%, what will happen to the cost per unit? अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो cost है वो semi-variable cost है, अगर जो है वो activity increase हो जाए 10% से तो cost per unit पे क्या effect आएगा? तो वही वाली बात, उसके लिए हमें चंद चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2, फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं 1000 और यूनिट्स कर लेते हैं 400। सेमी, ये अभी मैं काम कर रही हूँ 400 की यूनिट्स के लिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो है 1000, अच्छा जी डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 जो है मेरा कितना है, 2 जो है मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए अगर मैं 1000 को डिवाइड कर दूं 400 से तो मुझे पता लग जाएगा एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 2.5। वही जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई वो आ गई 4.5। अब मैं करती हूँ फॉर, अब जो है मैं अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हूँ 10% से, तो मैं 400 का जब मैं 10% लूंगी तो है 40, यानी कि अब मेरे जो यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 440। मैंने अपनी एक्टिविटी को 10% से इंक्रीज किया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 है। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मैं 440 को डिवाइड करूंगी, सॉरी 1000 को डिवाइड करूंगी 440 से, कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट से। ऊपर ये निकालने के लिए मैंने 1000 को डिवाइड किया था 400 से, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1000 को मैंने डिवाइड किया था 400 से, अब मैं इसका निकालने के लिए मैं 1000 को डिवाइड कर रही हूँ 440 से, 2.27 आ रहा है, प्लस 2 4.27। सही जी, ये आ गया आपका। अब जो है ये हमने दोनों जो है पर यूनिट निकाल ली है सेमी वेरिएबल के, अब हमें देखना है कि क्या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है। अब वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जगह कम है मैं यहाँ करी हूँ, ओल्ड फिगर माइनस न्यू फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। ओल्ड फिगर है मेरी 4.5, न्यू फिगर है मेरी
4.27 और ओल्ड फिगर है मेरी 4.5. 4.5 माइनस 4.27 डिवाइडेड बाय 4.5, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर उस 100 से मैंने करवा दिया. अब मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास जो है फिर आंसर आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 5.1. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है. देखो जी, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है. 4.5 से 4.27 हुआ है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता. कांस्टेंट भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. रिड्यूस बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन एक्टिविटी. यस, दिस इज द राइट आंसर. रिड्यूस तो हुआ है लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन से रिड्यूस नहीं हुआ है. तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.23. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज अ स्टेप फिक्स क्लॉज इन द ऑपरेशन ऑफ द मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल के ऑपरेशन में कौन सी जो मेरी कॉस्ट है वो स्टेप, या मोटर व्हीकल के उसमें कौन सी जो मेरी कॉस्ट है, कौन सा मेरा खर्चा है जो स्टेप फिक्स काउंट होगा. हायर परचेजेस पेमेंट ये नहीं हो सकता. इंश्योरेंस फिक्स होता है, पेट्रोल वेरिएबल होता है, ये नहीं हो सकता. टायर रिप्लेसमेंट इज द राइट आंसर. टायर की अपनी एक सर्टन लाइफ होती है, कितने किलोमीटर चलेगा फिर खराब हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा खर्चा करना पड़ेगा. फिर इतने किलोमीटर चलेगा तो ये मेरा खर्चा जो है ना हर एक सर्टेन एक्टिविटी के बाद भर जाता है. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी दैट मेक्स जनरेटर, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली टू कस्टमर्स ओन डिजाइन, हैज हैड टू परचेज सम स्पेशल टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. द टूल्स विल हैव नो फर्दर यूज आफ्टर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड विल बी स्क्रैप्ड. मेरे हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि एक कंपनी है जो एक स्पेशल टूल बनाती है या जनरेटर्स बनाती है जिसके लिए उसको एक स्पेशल टूल की जरूरत होती है, लेकिन उस टूल का फिर कोई यूज नहीं होता जब वो काम खत्म हो जाता है. तो अब वो कहाँ पे वो जो टूल है उसकी जो जो खरीदने का खर्चा आता है उसको क्या ट्रीट करे, एज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड? नो, क्योंकि वो एक स्पेशल चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है ना. As fixed production overhead, no. As indirect expense, no. As direct expense. ठीक है. Which of the following are example of responsibility center? Profit center, revenue center, investment center. ये तीनों examples हैं responsibility center की. Which of the following are cost unit? Cost unit क्या होता है? एक यूनिट की कॉस्ट. अ कार मैन्युफैक्चर्ड इन अ कार फैक्ट्री, यस ये है कॉस्ट यूनिट. इसकी एक यूनिट की कॉस्ट होगी. पहला ऑप्शन सही है. अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ हेयर ड्रेसर, नहीं ये कॉस्ट यूनिट थोड़ी है. एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी कॉस्ट यूनिट नहीं है. अ पिज्जा सोल्ड बाय अ पिज्जा रेस्टोरेंट, ये है कॉस्ट यूनिट. तो जो दो एग्जाम्पल्स हैं कॉस्ट यूनिट की, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? एक यूनिट की कॉस्ट. ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चर हो रही है गाड़ी, तो वो मेरा कॉस्ट यूनिट है. मैं पिज्जा बेच रही हूँ, एक पिज्जा की कोई कीमत है, वो मेरा कॉस्ट यूनिट है. तो 1 and 4 इज द राइट आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.